नमस्कार दोस्तों, गेहूं, मक्का और ज्वार की तरह बाजरा भी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक अनाज है। खास तौर पर सर्दी के दिनों में अगर आप बाजरा का सेवन करते हैं तो यह और भी फायदेमंद होता है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। बाजरे में कई हेल्दी एलिमेंट्स जैसे नियासिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है। नियासिन की ज़रूरत नर्व्स के लिए पड़ती है, यानी यह नसों के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं फास्फोरस से बॉडी को एनर्जी मिलती है। मैग्नीशियम हार्ट की मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में मदद करता है। बाजरे में मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। बाजरा कैल्शियम से भरपूर होता है और आप किसी भी कैल्शियम विकल्प की जगह इसका सेवन कर सकते हैं। ठंड के दिनों में होने वाली जोड़ों की समस्या व ऑस्टियोपोरोसिस में यह बेहद लाभकारी है। वैसे तो बाजरे की रोटी या खिचड़ी किसी भी मौसम में फायदेमंद है, लेकिन सर्दी के दिनों में बाजरा का सेवन शरीर में अंदरूनी गर्माहट बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी या अन्य व्यंजन खाना पसंद करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में डायट्री फाइबर होते हैं जो पाचन में लाभकारी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम और मोटापा घटाने में मददगार साबित होते हैं। बाजरा में ट्राइप्टोफेन अमीनो एसिड पाया जाता है जो भूख को कम करता है। इसका सेवन सुबह के नाश्ते में करने से लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती और पेट भरा रहता है। बाजरा ग्लूटन फ्री होता है। जिन लोगों को ग्लूटन से एलर्जी है उनके लिए बाजरा अधिक फायदेमंद है। बाजरे में अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जिन लोगों का डाइजेशन बिगड़ा होता है या फिर चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बाजरा उनके लिए भी फायदेमंद है। ऐसे लोग बाजरे की खिचड़ी या रोटी खा सकते हैं। इससे अमाइनो एसिड्स बेहतर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। बाजरे की रोटी या खिचड़ी के सेवन से आप हेल्दी महसूस करेंगे। पेट खराब होने पर भी बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की और हेल्थ से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।